तो सेल्स डैशबोर्ड में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। इस तरह के डैशबोर्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये डैशबोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम सेल्स डैशबोर्ड इस हमारा जो डेटा है ना, इस डेटा के ऊपर बनाएंगे, और हमने लास्ट क्लास के अंदर में आधी काम जो है कर लिया है, राइट। यस सर, तो लास्ट करेक्ट क्लास में करेंगे। हमने यहाँ पे आधा काम, हमने डिजाइन तैयार कर लिया था, और हमने यहाँ पे जहां जहां में फॉर्मर लगाना था वो हमने तैयार कर लिया, ठीक है सर। यस सर, अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे फिगर्स को डालना था। सर तो रिकॉर्डिंग का। हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन हम आपको दे देते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ टोटल, यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, सब जो है ना प्रॉफिट देना है। इसके लिए हम जैसे बात किए थे कि हम पिवट के थ्रू करेंगे ताकि हम स्लाइसर वगैरह का इस्तेमाल कर सके। तो इंसर्ट करके पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ सपोर्ट एक जो बनाया हुए है ना, जो हमारा एक्सेल वर्कशीट में सपोर्ट है, सपोर्ट वाले शीट पे जाते हैं, इसी पे करेंगे। तो सबसे पहले चाहिए टोटल सेल्स, राइट। तो सेल्स वैल्यू को हमने फील्ड में रख दिया, ये टोटल सेल्स आ गया, राइट। फिर आता है टोटल ऑर्डर, ऑर्डर को मैंने रख दिया यहाँ पे, टोटल ऑर्डर्स आ गए। जाता है क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड को अब यहाँ पे डेटा में आते हैं। ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर वैल्यू, राइट। चल ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू आ गई। फिर आता है टोटल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को भी मैंने यहाँ पे रख दिया, हमारा टोटल डिस्काउंट आ गया। उसके बाद आता है टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी मैं इसके नीचे रख दिया, तो प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आता है, ये हो गया, हमें समझ में आ गई सर। अब टोटल प्रॉफिट के बाद आता है यहाँ पे क्वांटिटी बाय ऑर्डर्स, राइट। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं, और यहाँ पे हम क्वांटिटी डिवाइड बाय ऑर्डर्स, ये यहाँ पे किए। और इसमें हमने क्या किया, हमने बोला क्वांटिटी मतलब सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड इंसर्ट किए, डिवाइड बाय ऑर्डर्स, जो टोटल ऑर्डर्स वैल्यू है उसको हमने इंसर्ट करके ऐड कर दिया, एंड ओके कर दिया। ये आ गया यहाँ पे सर, जी सर, रेटियो निकल जा जाता है। अब जी यहाँ पे है ना हमारा, ये देखिए डैशबोर्ड में ये था ना। अब आता है डिस्काउंट बाय सेल। तो यहाँ हम पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे हम करते हैं डिस्काउंट बाय से, ठीक है। तो इसमें हम डिस्काउंट को लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट है उसको डिवाइड करते हैं टोटल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, सेल्स वैल्यू अलग है, टोटल सेल्स वैल्यू अलग है, बात समझ रहे हैं। डिस्काउंट बाय सेल वैल्यू करना है यहाँ पे, इंश्योर एंड ओके आ गया। यस सर, उसके बाद यहाँ हमने किया हुआ, तो इसको थोड़ा सा तीन है ना, इसको मर्ज करके हम कम करते हैं, इसको हम दो ही रखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हल्का छोटा करते हैं। इसमें एक कॉलम इंसर्ट होगा और वो छोटा होगा, एकदम छोटा, ताकि इसको हम सेम जो यहाँ फॉर्मेटिंग है ना, इसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे तो मार्च, ये था हमारा टोटल सेल्स, ये ठीक है। ये टोटल सेल्स अलग है हमारे पास डेटा में, आप देखेंगे तो टोटल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स जो है यहाँ पे दे सकते हैं। टोटल सेल्स की जगह पे मैं यहाँ पे फाइनल सेल्स कर सकता हूँ, ठीक है, फाइनल सेल्स। इसको राइट सर, यस तो सेम यहाँ पे फाइनल सेल्स के लिए हम टोटल सेल्स वैल्यू पे क्लिक करेंगे, तो फाइनल सेल्स हमारा आ जाएगा। आ गया सर। यस सर, अब इसको हमें डैशबोर्ड से लिंक करना है, तो यहाँ पे इक्वल करते हैं,
और सिलेक्ट करते हैं टोटल सेल्स, सेल्स वैल्यू को, ठीक है, और इसकी जो राउंडिंग है ना वो कम कर देते हैं और सेंट्रल कर देते हैं, और इसको हमें 1000 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं हैश और इनवर्टेड कॉमा में के, हैश के बाद कॉमा देना जरूरी है, समझे, इक्वल टोटल ऑर्डर्स, सपोर्ट में आते हैं टोटल ऑर्डर्स पे जाते हैं और इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर देते हैं क्या। उसके बाद टोटल क्वांटिटी, अभी थोड़ा सा कट रहा है तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, फिर इक्वल टोटल सपोर्ट में आता हूँ, टोटल क्वांटिटी सेल्स यहाँ पे थर्ड में सिलेक्ट कर लिया और इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, फिर टोटल दो दो आ गया यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट होगा, टोटल डिस्काउंट, गलती से क्लिक हो गया, अब देखेंगे ना टोटल डिस्काउंट। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं सपोर्ट में, डिस्काउंट में आ गए और इसके ऊपर भी हम इसको ले लेते हैं, फिर प्रॉफिट, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है सम ऑफ प्रॉफिट उसको क्लिक किया और इसके ऊपर भी हमने इसको ले लिया। उसके बाद क्वांटिटी बाय ऑर्डर, तो क्वांटिटी बाय ऑर्डर हमारा ये रहा, तो ये क्वांटिटी बाय ऑर्डर जो हुआ इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्या सर? और सेम इसको क्लिक करते हैं डिस्काउंट बाय सेल, डिस्काउंट बाय सेल ये रहा है, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज, आधे घंटे में, आधे घंटे में। थर्टीन परसेंट आ गया। और फाइनल सेल, फाइनल सेल तो मर्ज नहीं है तो सिलेक्ट करके हम मर्ज कर देते हैं और इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाते हैं, तो ये हमारा फाइनल सेल आ गया। ये सारा प्योर टेबल से कनेक्टेड है, प्योर टेबल चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है, समझ आएगा सर? यस यस। अब बात करते हैं ये जो है एसेसरीज वगैरह की जो है उसकी बात करते हैं, तो हम एक बार और जाते हैं डेटा में और फिर से प्योर टेबल को कनेक्ट करते हैं, इंसर्ट प्योर टेबल और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम सिलेक्ट करते हैं सपोर्ट मिला, सपोर्ट में जाके हम नीचे वाला टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है इसमें हम हमें टोटल सेल्स दिखाना है इसमें, ठीक है, और टोटल सेल्स दिखाना है कैटेगरी वाइज, तो हमने कैटेगरी को लिया और इसी के नीचे हमने सब कैटेगरी ले लिया, ठीक है, और हमें टोटल सेल जो फाइनल सेल है ना हमारा ये इसको शो करना आ गया, नहीं लेकिन गलत आया क्योंकि अलग अलग करना है ना हमें, तो हमें एक सब कैटेगरी नहीं लेना, हमें दो पिवट्स लेना होगा, इसको कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पेस्ट करते हैं, इसमें जो कैटेगरी हटा के हम इसको सब कैटेगरी कर देते हैं, ठीक है सर? यस सर। अब हम डैशबोर्ड में आते हैं, सबसे पहले एसेसरीज है तो हम ये यहाँ पे एसेसरीज को सिलेक्ट करते हैं, अब इस सारे किस में है के में है, तो इसको लेके इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई, गलत हो गया इसके ऊपर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और कस्टम और इसको हम करते हैं हैश कॉमा इनवर्टेड कॉमा में के, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेंटर, राइट? यस सर, बोल्ड कर दिया गया। अब आता है अप्लायंस, सपोर्ट में आते हैं अप्लायंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, अप्लायंस के बाद आता है आपको आर्ट,
सपोर्ट में आते हैं, ये रहा हमारा आठ, आठ को सेलेक्ट कर लिया। बस यहाँ पे यही है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ी सी डिजाइन थी और पिवट के साथ इसको लिंक करना था, बाइंडर, समझ गया सर? यस सर। और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना पिवट बनाना था। बस यहीं पे आपको दो चीज दिमाग लगाने वाली थी, ऑफिस अप्लायंस, ऑफिस सप्लायर, ऑफिस सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉमा टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर लिया और ऊपर जो पिवट टेबल का जो बन के आ रहा है ना, पिवट गेट पिवट का जो फॉर्मूला लग के आ रहा है जब सेलेक्ट करते हैं उसको जैसा वैसा रहने दीजिए, क्या है कि फिक्स हो जाता है कि कैटेगरी में फर्नीचर है, तो अगर ऊपर नीचे होगा मतलब किसी ने पिवट को शॉर्ट कर दिया कुछ कर दिया तो आपका डेटा हटेगा नहीं। जी जी यस ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसमें हम चार्ट्स की बात करते हैं। अब मुझे चाहिए रीजन, माने ए वाइज जोन वाइज, जो हमारा जोन है ना, जोन वाइज टोटल सेल्स, क्या चाहिए? जोन वाइज टोटल सेल्स। तो हम इसी पिवट टेबल को कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और हमने क्वार्टरली को हटाया और हमने यहाँ पे डाल दिया जोन, ठीक है सर। और जोन में हमें दिखाना है शेयर्स कि भाई किस पर किसका कितना परसेंट शेयर है, समझे? किसका कितना परसेंट शेयर है ये दिखाना है हमें। तो हम यहाँ पे जाएंगे टोटल फील्ड में, शो वैल्यू एज, और यहाँ आपको हम देंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो ये हमारा परसेंटेज आ गया। पर प्रॉब्लम है कि इसको हमें परसेंटेज शेयरिंग चार्ट में दिखाना है, तो इसके लिए हमें डेटा अलग चाहिए होगा। सबसे पहले तो डैशबोर्ड में यहाँ आते हैं और यहाँ हम एक बार कोई आइकन ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं आइकन्स, आइकन्स को आइकन चूज करना होगा हमें। स्टेशन में आते हैं, मैं कुछ और अलग ढूंढ रहा हूँ। सर लास्ट टाइम हमने वो गूगल से दो तीन आइकन, नहीं गूगल से मैं रीजन ले लिया, जोन के अकॉर्डिंग करना है ना, तो ये ले लेता हूँ क्या? हाँ ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है लेना, लेकिन मैंने ले लिया, मान लीजिए। चलो इसको मर्ज कर देते हैं, इसमें लिखते हैं जून सेल्स, सेल्स शेयर,
यहाँ पे इंडेंट का यूज करेंगे, समझ गए? क्लियर है सर? अब मुझे यहाँ पे चार चार्ट शेयरिंग चार्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसमें हम 100% दे दिए, और इस 100% के बगल में हम गेट कीवर्ड का ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैनुअली सेंट्रल लिखा है ना, इसको डिलीट कर देते हैं, इसके जगह पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, इसको परसेंटेज में लेते हैं। अब मुझे यहाँ तीनों को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है, कौन सा चार्ट? ए डिनोट चार्ट। ठीक है सर, सर इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो पिवोट टेबल है उसमें से भी हम पिवोट चार्ट लगा सकते हैं? लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें अलग अलग चाहिए था। अच्छा, समझ गया ना, हमें अलग अलग, मैं जिस हर सेंट्रल रीजन का हमें अलग अलग चाहिए। ओके ओके, समझ गया। अब एंगल और एक्सिस, इसको एंगल को चेंज करना है, ये देखते हैं सही रहेगा। कल के डेट में मान लीजिए इसमें अगर हो जाता है 25%, नहीं गड़बड़ 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 है, इसको क्या करना है फिर एंगल को? अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, रखते हैं, लगे डेट में अगर 25% होता है तो ये इधर की तरफ बढ़ रहा है जो कि गलत है, इसको हमें उल्टा करना है। तो उसके लिए यहाँ जो वन है ना, इसको हम कर देते हैं टू। अब देखें 25% रहा है, ए जो है हमारा ए वाला पार्ट वन, ओके। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको उल्टा कर देते हैं, ये दिखाना है कि 100% में से कितना परसेंट शेयर हुआ है, समझ गए? तो अभी तीनों को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, अब सही है। अगर ये यहाँ यहाँ पे अगर 25% होता है तो अब सही है ना सर, नीचे तरफ बढ़ रहा है जी। अब इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं और इसका जो थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है? एक्सटेंशन लेने देते हैं, और इसकी जो डिजाइन है ना, सैप डिजाइन, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम चले जाते हैं फिल्म रिटर्न एंड टेक्सचर्स में आते हैं। आई थिंक सेकंड वाला जो था, जो ऊपर सेकंड वाला जो है, नहीं वो नहीं, हम कुछ और देख रहे थे, हम सोच रहे थे यहाँ पे ब्रेकअप की तरह आ जाए, जैसे मीटर में कैसे होता है ना, हाँ उस तरह का आ जाए। मीटर वाला चार्ट होता है,
कट 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 में आ जाए, लेकिन ये चीज है नहीं। सॉलिड फूड में इसको ये हम कर सकते हैं इसको ग्रे, ठीक है ना, और इसको कर सकते हैं सॉलिड फूड में ब्लैक। अब ठीक है ना सर, और इस सेंट्रल को हमें जो टाइटल है नीचे, और इसमें इसको सॉरी इस पे दो बार क्लिक करें, राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल, और ये डेटा लेवल जो ये ऐड हुआ है राइट क्लिक, हाँ ये वन है, बाहर तो नहीं जा रहा, हमें डेटा स्टेज हमें डेटा लेवल, इस लेवल को हमें बस इसको क्लिक करना, हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, होम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है सर, और सेंटर यहाँ रखते हैं, इसके पीछे की जो तो बैकग्राउंड है उसको कर देते हैं नो फिल, इसको यहां से कट करते हैं और ले जाते हैं हम अपने यहां पे, इसको छोटा करते हैं, और जो बॉर्डर है इसका यहाँ पे बॉर्डर नो लाइन, छोटा करना होगा इसको सर, इसे बड़ा नहीं रख सकते, ओके okay? इसको सेलेक्ट करके ठीक है सर, और ये सेंट्रल रख दीजिए यहाँ बीच, इसकी भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी भी फॉर्मेटिंग ग्रीन रहेगी, अब बोल रहे हैं। अब इसी को कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसके बगल में रखते हैं, और हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे कि 20 है ना, हमें जस्ट 21 कर देना है, ठीक है, और यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21, और ये इनका इस्ट हो गया सर, इसको कॉपी करते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक
यहाँ पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, और इसको कर दीजिए फॉर्मेट। सेम फॉर्मेटिंग हो गई यस यस क्या? यस लेकिन सर। मैं चाहता हूँ नहीं इसका अलग हो, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसकी कलर जो है मैं यहाँ पे हल्का ग्रीन रखता हूँ और इसका कलर डार्क ग्रीन कर देता हूँ। समझे? यस और इसको थोड़ा सा सटा देता हूँ, चलो हो जाएगा ऐसे यहाँ पे। इस के जगह पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और 21 के जगह पे 22, यहाँ पे सपोर्ट 22 23 ना होगा, मैं 23, हाँ 22 22, और यहाँ भी हमारा हो गया। इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसको कर दिए फॉर्मेट एंड ओके। यस नहीं इसमें अलग हो गया फिर, ईस्ट 22 भी, ये भी 22, 21 एंड 22, ईस्ट क्यों आ रहा है? नॉर्थ आना चाहिए ना। इसमें दिक्कत हो रही है, नॉर्थ यहाँ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ आना चाहिए ना। सिलेक्ट डेटा में यस जाते हैं यस और ये देखिए नॉर्थ यहाँ तो नॉर्थ दिया हुआ है, ईस्ट क्यों दिखा रहा है? एक मिनट, मैं दोबारा इसको कट करके दोबारा पेस्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट किया 21 के जगह पे, यहाँ पे 22, यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22, अभी इस तरह टाइटल को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ फॉर्मेट में इसमें प्लस में हम चार्ट टाइटल डालते हैं। अब आया नोट सर, अब अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसी को कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इस बार हम इसको जो नॉर्थ है इसकी कलर मान लीजिए इस बार हम रेड करते हैं, ठीक है ना, इसको रेड, और इसको इसको सेलेक्ट करके हम रेड कैटेगरी में हल्का रेड करते हैं और इसको पूरा रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, और छोटा ठीक है सर। यस सर। और फिर इसको यहां पर रखते हैं और इसमें इस बार 23 कर देते हैं, 23, यहां भी 23 और यहाँ भी हमारा 23, एंटर पेस्ट कर दिए। अब यहाँ भी नॉर्थ है तो एक बार मैं इसे करके चार टाइटल हटाता हूँ, वापस लगाता हूँ, साउथ आ गया। ये दिक्कत हो रही बहुत इसकी। अब इसको हम कॉपी करते हैं, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मेट। अब इस बार जो है इसकी कलर, ये जो कलर है इसकी कलर रेड नहीं करते हैं, इसकी कलर हम करते हैं ये वाले हल्का ग्रे, इसको भी सिलेक्ट करके हम करते हैं हल्का ग्रे। डबल क्लिक कीजिए, सिंगल है ठीक है, हल्का ग्रे और ऊपर वाले कलर पूरा का पूरा ब्लैक यहाँ नीचे वाला, ये दोनों एक जैसा हो गया ना। यस ये वाला करते हैं, नहीं लिया है ना। हाँ ये ठीक है, ठीक है हो गया। और भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ ये जो लाइनिंग है यहाँ पे, ये लाइनिंग सही रहेगा, इसको हम छोटा करते हैं और ये लाइनिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर? यस सर। उसके बाद आता है नंबर्स एंड ऑर्डर, नंबर्स एंड ऑर्डर। तो पहले आइकन में आते हैं, आइकन्स यहाँ पे स्टेशन में बिजनेस इज पेटिंग ऊपर में रखना। ठीक है, बस ऑर्डर। ठीक है यस सर। अब इसमें हमको ईयरली ईयर वाइज टोटल सेल्स के और नंबर्स चाहिए, कितने ऑर्डर आए, राइट सर? यस। इसको कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और पिवट टेबल के फील्ड लिस्ट में जाते हैं, मैं फील्ड लिस्ट में, और यहाँ से इसको जोन हटा के हम इसको डेट डाल देते हैं। ठीक है, और डेट को हम कर देते हैं इस पे राइट क्लिक ग्रुप और सिर्फ दे देते हैं हम ईयर, मंथ क्वार्टर हटा देते हैं, और जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसको हम ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू रखेंगे और इसको कर देंगे काउंट, क्योंकि हमें काउंट चाहिए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आए, बात समझे सर? और इसके बाद ये हमें इसको चाहिए लाइन चार्ट, तो इंसर्ट हमारा लाइन चार्ट हमने यहाँ पे डॉट वाला चाहिए ना, डॉट ये बिल्कुल सब सेम ही आ रहा है ना, क्या सर कोई बात नहीं, सेम आ रहा है। तो अब इस पे से राइट क्लिक करके हम कर देते हैं हाइट, ओके, और लाइनिंग जो है डिलीट कर देते हैं और डिजाइन में हम जाते हैं, देखते हैं कोई डिजाइन है हल्का सा जिसकी बैकग्राउंड वाइट हो, ये कर सकते हैं इसको, इसको नहीं ये सही रहेगा ना, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड पीछे जो वाइट है ना ये वाइट रखना, सबसे पहले जो एक ऊपर वैल्यू आ रही है इसकी जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक, और ये जो लाइनिंग है तो इसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं, फॉर्मेट इस लाइनिंग की जो कलर है इसको हम करते हैं ग्रे, और ये जो लाइन कलर है ना इसको करते हैं रेड, और ये नंबर है राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेव, और इस नंबर में लेफ्ट राइट
ठीक है सर। और इसमें हम आते हैं राउंड, राउंड की जगह पे हम यहाँ कर स्क्वायर, इसकी बैकग्राउंड वो कर देते हैं अब सॉलिड फिल, नो फिल सॉरी नो फिल। अब इसके बाद इसको यहां से हम कट करते हैं, इसकी बैकग्राउंड को भी नो फिल कर देते हैं, इसकी रहने देते हैं। तो कट करते हैं यहां से, कट करने के बाद हम यहां पेस्ट कर देते हैं और इसके बॉर्डर को भी नो बॉर्डर कर देते हैं।